है सत्ता पक्ष और विपक्ष, विपक्ष के नेता 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करके लाखों करोड़ों लाखों रुपया आरा के सीनियर पदाधिकारी को दे करके बचने की बात करता है, 47 बेचने का आरोप लगाया और सुख बाजे तो बाजे चलनियों बाजे। सेंगर की बीबी बीजेपी में तो राजबल्लभ की बीबी आरजेडी में, बारे बार हर बलात्कारियों का पॉर्न चल रहा है। जो विधायक पॉर्न देख रहे थे कर्नाटक में, आज एक चैनल चला रहे हमारे मित्र के, वो मंत्री बन गए दो ठो। पॉर्न देखने वाला बलात्कारी सब सब लोग मंत्री, उत्तर प्रदेश में मंत्री, बिहार। अब हमें समझ में नहीं आता है, पहले इन माफियाओं से बचे ना, जिन जिन से इन लोगों ने बड़ा बड़ा माफिया को एमएलए में फिर एमपी में 8-8 करोड़ रुपया लेके टिकट देता है, इन लोगों के पास इन लोगों पर ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? 4 गुना पैसा नेताओं का इस 10 साल में 3 गुना 4 गुना हुआ है। ये जो पटना में बड़े बड़े मॉल हैं, जो अकूट पैसा माफियागिरी से कमाया है, उन लोगों के बारे में आप, मेरा सीधा राय है कि इस पर ईडी या विजिलेंस कहां चला गया नीतीश बाबू आपका? और 47 और 56 किन किन के पास है, ये पूरा का पूरा सीधा जबलपुर की फैक्ट्री से निकला हुआ जितना 47 उसमें एसपी को पता, मुंगेर के एएसपी को पता, सबका सभी जगह खबर किन किन एक्स एमएलए एमएलए मंत्री के पति, कौन मंत्री का पति है जिसके पास 547 है किसको पता नहीं है? कब रुकेगा? इधरों का एक साधारण सा आम 18 साल 16 साल का बच्चा स्कूल में ड्रग्स लेता है और जाके गोली मारता है, केंद्रीय विद्यालय में ड्रग्स लेता है ये लड़का 12 साल 14 साल 16 साल और फिर वो गोली चलाता है लगातार। कल मैंने मधेपुरा किशनगंज की वहां के डीएसपी और एसपी, वहां के जो डीएसपी है वहां के एक मंत्री के संरक्षण में जीता है और वो नंगा नाच करता अपराधियों के साथ, एक सब मेहता नाम के छात्र को गर्दन काट के फेंक दिया गया। कल वहां किशनगंज बंद किया मैंने, आशीष मेहता साधारण सा मासूम बच्चा। खगड़िया में 4 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया है, सब बसुआ में सम एक जाधव का, फिर उसके बाद एक पासवान का, फिर एक मातो का, 4 लोगों को गोली मार दी गई। पार्टी की ओर से 50-50 हजार रुपया दोनों सिपाही और दरोगा को देने की घोषणा हुई है। कल हम सिपाही के घर पर सहरसा में जाएंगे, फारूक के घर पर 25 तारीख को दरोगा जी के घर पर जाएंगे। ये बिहार में इशू क्यों नहीं है मुझको नहीं जानकारी। नीतीश बाबू की पुलिस कहां लगी हुई है? नीतीश बाबू की पुलिस किसको खोज रही है, कहां कहां ढूंढेगी? जिसको आपने बनाया, आज वही महिषासुर वही गोनू झा वाला कहानी, कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है। अपराधी माफिया तय करता है सत्ता किसकी बनेगी और मेरा सीधा आरोप है कि पार्टी तय करता है कि कौन अपराधी जेल जाएगा, कौन माफिया जेल जाएगा, कौन अपराधी रहेगा,
किस अपराधी को मरवाना है, किस अपराधी को रखना है, किस जात के अपराधी को तंग करना है, किस जात के अपराधी को जिंदा रखना है। ये सत्ता, सियासत और वोट के लिए सभी पार्टी नंगे हैं और अपने अपने 2020 के लिए इन अपराधियों को संरक्षण प्राप्त। इस देश में हर घटना, जितनी बड़ी घटना घटती है वो पार्टी के आधार पर होती है और पार्टी के संरक्षण में पार्टी तय करती है। सेकेंड, मैंने कई बार कहा कि जो आरक्षण का मुद्दा है,